डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7, सो बच्चों इस प्रेपरेटरी असाइनमेंट में आज हम रिवीजन करेंगे चैप्टर नंबर 10 की मेरा कसूर क्या है और ओलंपिक खेल। तो आज हम रिवीजन करेंगे, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में रिवीजन की वर्ड मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर्स की, ठीक है, तो इस चैप्टर के भी हम आज रिवीजन करेंगे वर्ड मीनिंग्स और क्वेश्चन आंसर्स की, ठीक है। तो सबसे पहले है वर्ड मीनिंग्स, मेरा कसूर क्या है इसके। तो हिमाकत का मतलब होता है मूर्खता करना, कसूर का होता है अपराध, कि मेरा जुर्म, मेरा अपराध क्या है, मैंने क्या गलती की है। आदमखोर, जो आदमियों को खाता है। जदा कदा यानी कि कभी कभार, जो कभी कभी चीज़ हो। खलल पड़ना, बाधा पड़ना, रुकावट आना। पाड़ा, भैंस का बच्चा। प्रतिबंधित, रोका हुआ। विचरण करना यानी कि घूमना। गुजारिश करना, प्रार्थना करना, ठीक है, रिक्वेस्ट करना। दुस्साहस, अनुचित साहस करना यानी कि जानबूझकर कोई चीज़ करना, ठीक है। अगले चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स हैं उद्घाटन। उद्घाटन यानी कि शुभारंभ करना, ठीक है, किसी चीज़ की सही समय पर शुरुआत करनी, शुभारंभ यानी कि शुरुआत करनी। चुनौती यानी कि ललकार, ठीक है, किसी को ललकारना, चैलेंज करना। प्रायश्चित, पाप कर्म से बचने के लिए किए जाने वाला शास्त्र विहित कर्म, ठीक है। प्रायश्चित यानी कि जब हम कोई गलती कर देते हैं तो उसका फिर हमें प्रायश्चित भी करना चाहिए। अपूर्व यानी कि अद्भुत। किंवदंती, लोक प्रसिद्ध अफवाह, ठीक है, जो समाज में प्रसिद्ध हो, जैसे मुहावरे हो गया, है ना, लोकोक्तियाँ हो गया, ये किंवदंतियाँ होती हैं, तो जो लोक प्रसिद्ध हो, बहुत समय से चली आ रही हो, या फिर कोई अफवाह जो पैदा हो जाए। प्रज्वलित यानी कि जलाना, ठीक है। तो ये थे हमारे वर्ड मीनिंग्स। अब हम करते हैं आगे क्वेश्चन आंसर। तो पहला प्रश्न है कि मेरा कसूर क्या है चैप्टर का, कि कैसे पता चला कि बाघ ने ही चारों आदमियों को मारा था। तो बाघ के पंजों की जांच करने पर बाघ की कदकाठी का पता चल गया कि एक ही बाघ ने सभी आदमियों को मारा है। नेक्स्ट, बाघ प्राय आदमी पर आक्रमण नहीं करता, उचित क्यों नहीं समझता, ठीक है। तो आदमी बाघ का प्राकृतिक आहार नहीं है, तो इसीलिए बाघ आदमी पर बिना किसी कारण आक्रमण नहीं करता। अगला है, बाघ ने चारों व्यक्तियों को क्यों मारा था। तो चारों व्यक्तियों ने बाघ के निजी क्षेत्र में यानी कि उसके घर, उसके जंगल में घुसपैठ करने की कोशिश की थी, घुसने की कोशिश की थी, इसलिए बाघ ने चारों व्यक्तियों को मार डाला। दीर्घ प्रश्न है, लॉन्ग क्वेश्चन है इसका, कि बाघ कब आदमखोर घोषित किया जाता है, तब उसके साथ क्या व्यवहार किया जाता है। तो बाघ द्वारा चार आदमियों को जब मार दिया गया, ठीक है, मारने के पश्चात यानी कि बाद उसको आदमखोर घोषित कर दिया गया था। उसके बाद बाघ की जोर शोर से तलाश शुरू कर दी गई, उसकी निगरानी रखी जाने लगी, उसके लिए जीवित चारा बांध दिया गया। अगला क्वेश्चन है, पाठ में वर्णित बाघ आदमखोर नहीं है, ये कैसे प्रमाणित किया गया है। तो प्रस्तुत पाठ में बाघ ने प्रत्येक व्यक्ति को मारने के उचित कारण बताए हैं, कि कैसे वह लोग बाघ के निजी क्षेत्र में घुसपैठ करते थे, जिस कारण बाघ उन पर आक्रमण करता था और मनुष्यों की को चेतावनी देता था। तो मतलब वो आदमखोर नहीं था, वो आक्रमण क्यों करता था, क्योंकि जब वो उसके क्षेत्र में, उसके एरिया में चले जाते थे लोग, तो उसको अच्छा नहीं लगता था, तो इसीलिए वो लोगों को चेतावनी देने के लिए ऐसा करता था। लेकिन उसकी बार बार चेतावनी देने पर भी लोग नहीं मानते थे और उसके उसके निजी क्षेत्र में जाते थे, तो इसलिए वो उनको मारता था। अगला प्रश्न है हमारा ओलंपिक खेल से संबंधित प्रश्न है, प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई। तो ओलंपिक खेल दुनिया के प्राचीनतम खेल हैं और हम ओलंपिक खेलों की शुरुआत 776 ईस्वी यानी कि 776 ईस्वी पूर्व, ठीक है, ईसा पूर्व ओलंपिया घाटी में हुई थी। अगला प्रश्न है, राजा आंगियस ने हरक्यूलस को क्या सजा दी। तो प्राचीन लोक कथाओं के अनुसार हरक्यूलस को अपने बुरे कर्मों की सजा के तौर पर राजा आंगियस ने अपने विशाल तबेले की सफाई की जिम्मेदारी सौंपी थी। अगला प्रश्न है कि राजा एनोमस ने अपनी पुत्री के विवाह के लिए क्या शर्त रखी। तो राजा एनोमस की पुत्री हिपोडेमिया अपूर्व सुंदरी थी, तो राजा ने ये शर्त रखी कि जो उसकी पुत्री का अपहरण करके ले जाने में सफल होगा, राजकुमारी का विवाह उसी के साथ किया जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्राचीन ओलंपिक में कौन कौन से खेल खेले जाते हैं। तो प्राचीन ओलंपिक खेलों में रथ दौड़, घुड़दौड़, कुश्ती, मुक्केबाजी, भाला फेंक आदि खेल खेले जाते थे। फिर पियरे डी कुबर्ते कौन थे। तो आधुनिक ओलंपिक खेलों को प्रारंभ करने का श्रेय यानी कि शुरू करने का श्रेय फ्रांस देश के पियरे डी कुबर्ते को जाता है। कौन थे वो, फ्रांस के थे।
और उनके कई अथक प्रयासों के बाद ओलंपिक खेल आरंभ हुए थे। वर्ष 1896 में एथेंस में ओलंपिक खेलों का को प्रारंभ करने में सफल हो पाए। तो 1896 में उन्होंने दोबारा एथेंस में खेल शुरू करवाए थे। अगला है हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, प्राचीन ओलंपिक खेलों का आरंभ कब और कैसे हुआ, ओलंपिक ध्वज के बारे में भी लिखिए। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है इसमें टू क्वेश्चन साथ में मिलाए गए हैं, ठीक है। पहला है खेलों का आरंभ कब और कैसे हुआ और दूसरा है ध्वज के बारे में लिखिए। तो पढ़ते हैं कि इनका आरंभ कब हुआ। तो आधुनिक खेलों का आरंभ श्रेय जाता है पियर डे कुबर्ते को, ठीक है। वो राजनीति शास्त्र का अध्ययन करते थे। उन्होंने महसूस किया कि खेलों के द्वारा विभिन्न देशों को एक मंच दिया जा सकता है, इसीलिए उनके अथक प्रयासों के बाद 1896 में ओलंपिक खेलों का कराने में सफल हो गए और उस वक्त केवल 9 देशों ने भाग लिया था, ठीक है। तो ये है कि कब और कैसे आरंभ हुए ओलंपिक खेल, ठीक है, आधुनिक ओलंपिक खेल। अब हम बात करते हैं ध्वज की। तो वर्ष 1913 में ओलंपिक ध्वज बनाया गया। ये ध्वज सफ़ेद रेशमी वस्त्र का बना है। इस पर बने 5 छल्ले आपस में जुड़े होते हैं। छल्ले 5 महाद्वीपों को दर्शाते हैं जो कि हैं अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, एशिया और अफ्रीका। इन 5ों छल्लों का रंग अलग अलग है, पीला, हरा, लाल, नीला और काला। छल्लों को आपस में जोड़ना सहयोग तथा मैत्री का प्रतीक होता है। तो ध्वज में जो छल्ले हैं, ठीक है, 5, वो आपस में जुड़े हुए हैं रिंग्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे दोनों चैप्टर से रिलेटेड वर्ड मीनिंग्स एंड क्वेश्चन आंसर्स। तो इनको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, और जिनको ये लर्न हो गया वो साथ के साथ एक्सरसाइज भी लर्न करते रहना, ठीक है। फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स एंड MCQs आप में आएंगे पेपर में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।